हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन में बिस्तर फोल्ड करना, झाड़ू पोछा करना। तो आज मैंने सोचा यही दिखा देती हूँ। समझ में नहीं आ रहा अब क्या दिखाओ। तो आज का व्लॉग मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ बिस्तर फोल्ड। बिस्तर तो फोल्ड हो चुका है, अब बारी है झाड़ू लगाने की। और कोट और सूट वूट पहन के कितनी बड़ी लग रही हूँ मैं। चप्पल भी अपने आप से बड़े पहने हैं। और हाँ, सूट पहन के ना सब बहुत बड़े बड़े से लगते हैं, अजीब सा। ऐसे ज़्यादातर मैं सूट पहनती नहीं हूँ, आज मैंने कहा सूट पहनते हैं करके। तो अभी देख रही हूँ मैं इसमें। चलो कोई नहीं, सही है। तो गाइज, मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कमरा कितना साफ़ हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है ना। सुबह सुबह ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे जो कलर उड़ा है ना, यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर ऐसे क्या बोलते हैं, दीवार का सहारा लेके बैठते हैं, तो उसकी वजह से ना वो कलर वहाँ पर निकल ही जाता है। और अब मैं लगा रही हूँ बाहर बरामदे में, पूरे सारे कमरे में लगा लिया है। तो मैंने कहा बरामदे में लगाते हैं। और सोनू हो रहा है स्कूल के लिए रेडी, मैंने कहा उसको अपने सारे कपड़े तो अंदर ले जा, बाहर बरामदा सूखने देना फिर आना। गाइस, ये देखो स्कूल खुल गया। और दिविजा, कस लगना स्कूल में, कैसा लग रहा है? हैं, काम क्या था पूरा? फोकती कलर है आई? हाँ, की बहुचे कलर ईसा रहे है? किसे? बाय दीक्षा। गाइस, छुट्टियां हो गई हैं पूरी और सबके स्कूल खुल गए। सोनू भी चले गया और सब लोग फर्स्ट टाइम में उदास ही रहते हैं स्कूल खुल गया करके। और ये ना हम गाय लाए हैं आज नीचे से, मतलब आप लोग को पता नहीं होगा कि हमारे पास गाय भी है करके। तो ये गाय थी और दो बैल हैं, बकरियाँ हैं, वो ना हम सब नीचे बांधते हैं। तो आज इसका बच्चा होने वाला है, इसीलिए हम इसे ऊपर लाए हैं। मैं अपने लिए हाथ मुंह धोने के लिए पानी ले गई थी बाथरूम में, तो वो पी रही थी, मैं उसके लिए दोबारा लेने आई हूँ। और यहाँ पे बड़ी मम्मी जाने लग गई ग्वाला, वहीं से घास भी काट के लाएगी और ये पी रही है पानी। आज इसका बच्चा होने वाला है गाइज, आपको दिखाऊँगी मैं, एक्साइटेड रहना। तो बड़ी मम्मी तो जाने लगी ग्वाला को और इसने भी पी लिया पानी। गाइज, मैं भी धो लेती हूँ हाथ मुख और अब मैं धो रही हूँ बर्तन फटाफट। पहले बर्तन धो लेती हूँ। Thank you.
बर्तन धुल चुके हैं और अब बारी है किसकी, किचन की लिपाई पुताई करने की। तो फटाफट 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 स्पीड बढ़ा के मैं इसकी कर रही हूँ लिपाई पुताई। गाइस सारे काम होने के बाद मैं खा रही हूँ खाना। आप लोग बोल रहे होगे तो पहले काम करिए उसके बाद खा रही है। जी हाँ, मुझे ये पसंद है कि पहले सारे काम हो जाए उसके बाद आराम से बैठ के खाऊं, क्योंकि खाने के बाद ना आलस आ जाता है। और ये जो आप देख रही हो, ये मैं कह रही थी ना आज हमारी गाय का बच्चा होने वाला, देखो वो हो गया। और पता है पूरे आंगन में इसने अभी से चलना शुरू कर दिया, अभी हुआ था, अभी अभी देखो इसकी हालत। और ये कह रही है इधर आप, ऐसे ऐसे बुला रही है उसको, पूरे आंगन में इसने उछल कूद मचा रखी है। ना बकरी के, जो बकरी के साथ खेल रहा है, देखो बकरी कह रही है क्या है, इसको देखने के लिए जा रही है। नया मेहमान आया है, नंदी भगवान आए हैं हमारे घर में गाइस। गाइस ये देखो बकरी का जो बच्चा है ना, वो मेरे पास आ रखा है और मैं बना रही हूँ असाइनमेंट, खेलने के लिए आ रखा है। और मैंने बना लिए 3 पन्ने लिखे हैं अभी, तो अभी लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। और इसकी मम्मी देखो इसको आवाज़ मतलब भैं भैं कर रही है और ये जा ही नहीं रही, ऊपर ही आ जाती है। इसको नीचे छोड़ के आएंगे फिर से ऊपर, नीचे छोड़ के आएंगे फिर से ऊपर, मुझे भी परेशान कर रही है। असाइनमेंट नहीं बनाने दे रही है, जमा करने जाना है अभी, तो मैंने 3 असाइनमेंट बनानी है। और ये मेरे साथ खेलो खेलो करके आ रही है। गाइज अब मैं बना लेती हूँ असाइनमेंट, क्योंकि फ़ोन से ही बनाना है। और ये बड़ी मम्मी आ गई है घास काटने से, और इसको देखो पूरे आंगन में पहले उसने मचा रखा था आतंक, अब ये मचा रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर